Good morning children, hope you all did well in your exam. Today I am going to start our next chapter in English, that is chapter 2, and the name of chapter is A Ride to School. आज हम अपना दूसरा लेसन शुरू करने जा रहे हैं और वो लेसन नंबर 2 है और लेसन का नाम है A Ride to School. मतलब हम स्कूल गए, कैसे गए और किस साधन से गए, हमें कैसा लगा, उसके बारे में ये चैप्टर है. आपका चैप्टर की शुरुआत में है हेयर वी गो. हाउ डू यू गो टू स्कूल? आस्क योर फ्रेंड्स हाउ दे कम टू स्कूल. फिल इन द टेबल बाय राइटिंग देयर नेम्स इन द करेक्ट कॉलम. आपको ये एक्टिविटी आज के होमवर्क में आपको यही एक्टिविटी करनी है जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ. आप स्कूल कैसे जाते हैं, ठीक है? आपको अपने फ्रेंड से पूछना है कि वो स्कूल कैसे आते हैं. मतलब बस से आते हैं, कार से आते हैं, पैदल चल के आते हैं या साइकिल से आते हैं. तो फर्स्ट फिगर है बस. अगर आपका फ्रेंड बस से स्कूल आता है तो उसका आपको अपने 3 फ्रेंड्स के नेम लिखने हैं. आपको 3 लाइंस दी गई है, उसमें 3 फ्रेंड्स के आपको नेम लिखने हैं. जो फ्रेंड आपका कार से आता है इसमें आपको उनके 3 फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं जो भी कार से आता है. बाई बाइसिकल, बाइसिकल मीन साइकिल चला के, आपका जो फ्रेंड साइकिल चला के आता है आपको उसका नाम लिखना है. लेकिन आप ये नहीं लिख सकते क्योंकि आपका अभी कोई भी फ्रेंड साइकिल से नहीं आता है. अभी आप इतने छोटे हो कि आप साइकिल चला के खुद स्कूल नहीं आ सकते हो. आप कार से, बस से आ सकते हो. और ऑन फुट मतलब कौन पैदल चल के आता है. अगर आपका कोई फ्रेंड पैदल चल के आता है तो आपको उसका नाम यहाँ पे फिल करना है. ओके, टीना गोज टू स्कूल बाई बस. लेट अस रीड मोर अबाउट हर. टीना स्कूल बस से जाती है, चलो हम उसके बारे में थोड़ा और जानकारी करते हैं, ठीक है? इट इज 6 o'clock इन द मॉर्निंग. टीनास मदर वेक्स हर अप. इट इज 6 o'clock इन द मॉर्निंग मतलब अभी कितना बज रहा है, 6 o'clock मतलब 6 बज रहे हैं सुबह के. टीनास मदर वेक्स हर अप. वेक्स मतलब उठाना. टीना की मम्मी उसको उठा रही है. कितने बजे उठा रही है? 6 बजे सुबह, मॉर्निंग में सुबह 6 बजे टीना की मम्मी उसे उठा रही है. टीना गेट अप और यू विल बी लेट फॉर स्कूल शी सेज. वे क्या बोल रही है, मम्मी उसकी कह रही है टीना उठ जाओ नहीं तो तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगी. टीना गेट्स रेडी टू गो टू स्कूल. टीना स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाती है. हर फादर वॉक्स टीना टू द बस स्टॉप. उसके पापा उसको बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए जाते हैं. ओके, टीना रेडी हो जाती है स्कूल के लिए और उसके पापा उसको बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं. ओके, नाउ चिल्ड्रन टुडे इज योर फर्स्ट डे सो आई एम नाउ क्लोजिंग माई दिस सेशन. मतलब आज आपका ये पहला दिन है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं मैं परेशान करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आज आपको यहीं तक पढ़ाऊंगी. ओके, नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसका आगे का लेसन का आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे. ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू इट्स नेक्स्ट पार्ट. ओके, नाउ टिल देन, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन रिमेंबर दैट यू हैव टू डू द होमवर्क. ओके, व्हाट आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, ये होमवर्क आपको आज करना है, आपका ये आज का होमवर्क है. ओके, नाउ टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, कीप ऑन लर्निंग. थैंक यू चिल्ड्रन.